आजकल इंडियन सिनेमा में एक अलग ही माहौल बन गया है, जो क्रेज है मूवीज का। यहाँ पर एक से बढ़कर एक मूवीज आ रही है, जहाँ पर 2023 में जवान, पठान, गदर 2, एनिमल और सलार जैसी मूवीज को लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो अब 2024 में भी जैसे बड़ी मूवीज का मेला लगा है, जहाँ पर हमें फाइटर, पुष्पा 2, सिंगम अगेन और कल्कि 2898 AD जैसी मूवीज देखने को मिलेगी। मतलब ये साल भी मूवी लवर्स के लिए किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जो पर्सनली मैंने फील की है। देखिए, अलग अलग इंडस्ट्री से बड़ी बड़ी मूवीज निकल के सामने आती है, लेकिन ऑडियंस को जो इंतजार होता है साउथ की मूवीज को लेकर, जो क्रेज है साउथ की मूवीज का, जो ईगरनेस है इनकी मूवी को लेकर ऑडियंस में, आई थिंक इस तरीके का क्रेज किसी और मूवीज से देखने को नहीं मिलता। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि बॉलीवुड या फिर कोई और इंडस्ट्रीज की मूवी का क्रेज नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन साउथ इंडस्ट्रीज की जो मूवीज आती है ना, उसका क्रेज कोई और ही लेवल पर होता है। अब देखिए ना, बाहुबली द बिगनिंग के बाद बाहुबली द कंक्लूजन को लोगों ने कितना सेलिब्रेट किया। ऐसा ही कुछ KGF के टाइम पे भी हुआ था, जहाँ पर KGF 1 के बाद KGF चैप्टर 2 को लोगों ने सर आंखों पर बिठाया। अभी अभी रिलीज हुई सलार पार्ट 1 के बाद अब सलार पार्ट 2 को लेकर भी लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। आई थिंक लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं इनके साथ और इनकी मूवीज के साथ। शायद ये इस कारण भी हो सकता है कि ये लोग जो मूवीज दिखाते हैं, जो कहानी इसकी दिखाते हैं, जो कैरेक्टर इसमें दिखाए जाते हैं, वो सारे हमारे रूट से जुड़े हुए होते हैं। वो कुछ भी ज्यादा ग्लैमराइज करके नहीं दिखाते, जो हमारे रूट से जुड़ा हुआ है उसी तरीके के कैरेक्टर्स वो दिखाते हैं और वैसे ही कहानी दिखाते हैं, और शायद इसलिए पब्लिक उनसे सबसे ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। अब इन सारी मूवीज के साथ दो और मूवीज का नाम जुड़ गया है, जिनका फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं। इसमें से एक तो है अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2, और दूसरी है रॉकिंग स्टार यश की KGF के बाद अपकमिंग मूवी टॉक्सिक। तो रॉकिंग स्टार यश की मूवी टॉक्सिक के बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, और कल उन्होंने एक पोस्ट भी रखी है जहां 8 जनवरी को उनके बर्थडे आ रही है, लेकिन वो यहां पर मौजूद नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने अपने फैंस के लिए एक नोट छोड़ी है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जब यश की इस नोट को मैंने यूट्यूब पर पोस्ट किया, तब मुझे एक कमेंट ऐसी भी आई थी कि यश हमेशा से ऐसे ही करते हैं, 2023 में भी उन्होंने अपने बर्थडे के टाइम ऐसा ही किया था और अब भी वो वैसा ही कर रहे हैं। तो टॉक्सिक मूवी के साथ साथ इस नोट पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 को लेकर क्या आई है इसकी डिटेल। Let's check it out. जब शेरी दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। Everyone, welcome to Film Bee. मैं हूं इक्ता जानी। So let's talk about अल्लू अर्जुन मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2। तो पुष्पा 2 इसी साल अगस्त में रिलीज होने वाली है, और थोड़े टाइम पहले हमें इसका ग्लिम्स देखने को मिला था। इस ग्लिम्स में अल्लू अर्जुन लास्ट में दिखाई देते हैं, और अंधेरे में जो उनकी आंखें हाईलाइट की गई है, और इसके साथ साथ उनकी लास्ट उंगली का जो नेल पेंट हाईलाइट किया है, वो सीन देखते ही गूज़बम्प्स आ गए थे। अल्लू अर्जुन के फैंस बहुत इंतजार में है पुष्पा 2 को लेकर। तो देखिए, पुष्पा 2 आ रही है अगस्त में, और इसका सीधा क्लैश है अजय देवगन की मूवी सिंगम अगेन के साथ। तो यहाँ पर सलार एंड डंकी के बाद फिर से बॉलीवुड और साउथ की दो बड़ी मूवीज का क्लैश होने जा रहा है। रोहित शेट्टी की मूवी सिंगम अगेन भी बहुत बड़ी मूवी है, और इसकी स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी है। ऐसे में कल अचानक एक अपडेट सामने आई, जिसमें लिखा था कि सिंगम अगेन अगस्त में सोलो रिलीज होने जा रही है। अब ये अपडेट आते ही हर जगह ये बातें होना शुरू हो गई कि अब पक्का पुष्पा 2 पोस्टपोन होने जा रही है। लेकिन फिर बड़े बड़े सोर्सेस ने ये कंफर्म किया कि नहीं, पुष्पा 2 पोस्टपोन नहीं हो रही है, वो अगस्त में ही आ रही है। तो अब अगर सिंगम अगेन की सोलो रिलीज की बात करें, तो अब शायद ये हो सकता है कि सिंगम अगेन शायद पोस्टपोन हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी पुष्पा 2 की शूटिंग अधूरी है, इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क भी अभी बाकी है, लेकिन अभी भी 7-8 महीने बाकी है पुष्पा 2 के रिलीज होने में, तब तक ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो पुष्पा 2 के पोस्टपोन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और वैसे मेकर्स को भी ये पता है कि पुष्पा को लोगों ने कितना पसंद किया था, और अब पुष्पा 2 को लेकर लोगों में कितना इंतजार है, कितना ईगरनेस है, और अब जब पुष्पा 2 रिलीज होगी तो ये बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। तो मुझे यहाँ पर ये नहीं लगता कि क्लैश के कारण भी मेकर्स पुष्पा को पोस्टपोन कर सकते हैं। पुष्पा कंफर्म है अगस्त में ही आ रही है, और इस बार पुष्पा 2 का बजट भी बहुत बड़ा है। 500 करोड़ की बजट में बनी है ये मूवी, और जिस तरीके से पुष्पा पार्ट 1 को दिखाया गया था, कुछ कुछ सीन्स इसमें बहुत बड़े थे, जैसे कि वो चंदन की लकड़ियों को पानी में फेंकते हैं, वो पूरा सीन काफी जबरदस्त और बड़ा था। तो अब तो 500 करोड़ की बजट में बनने जा रही है पुष्पा 2, तो इसका स्केल कितना बड़ा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। जैसे पुष्पा पार्ट 1 में शुरुआत में ही बताया गया था कि जापान और चीन तक गई है चंदन की लकड़ियां, तो अभी तो
अपने पुष्पा बाव को इंडिया से ये सारा बिजनेस फॉरेन तक ले जाना है, जापान और चीन तक। और वैसे भी पार्ट वन में पुष्पा बाव ने इंडिया में ही बिजनेस करके दुश्मन कुछ कम नहीं बनाए, तो अब तो पुष्पा का ये बिजनेस फॉरेन तक जाने वाला है। और कितने दुश्मन बनेंगे और किन किन से भिड़ेंगे पुष्पा बाव, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो यार दैट्स इट टुडेज़ वीडियो। वैसे अगस्त में रिलीज हो रही है पुष्पा 2, आप कितने एक्साइटेड है इसके लिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।